औलिया का मस्कन कहलाने वाले मुल्तान की मट्टी में मोहब्बत और वफा है, और यही वजह है कि दूसरे इलाकों और ममालिक से सफ़र करके आने वाले सूफिया कराम यहाँ तशरीफ़ लाए और इस्लाम के फयूज़ व बरकात से फैज़ याब करके इसी शहर में मदफून होते चले गए, और ये शहर इनकी बदौलत मदीनतुल औलिया कहलाया। खित्ते मुल्तान में जा बजा खानकाहें मज़ारात दिखाई देते हैं। इनमें कुछ नामवर हैं और कुछ के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं, ताहम अहले मुल्तान की अकीदत मंदी लायक तहसीन है। ऐसा ही एक मज़ार शहर के ऐन वस्त में भी वाक़ है, जिसके बारे में किताबों में बहुत कम तस्करा मिला है, ताहम इस मज़ार के मतवली और ख़िदमत गुज़ार अपने काम पर मामूर हैं। जी नाजरीन, शहर के ऐन वस्त दौलत दरवाज़े की जानिब रुख किया जाए तो आपको सड़क के बीचों बीच एक मज़ार मुबारक इस्तादा दिखाई देता है, जो पीर दौलत शाह के नाम से मारूफ है। कहा जाता है कि दौलत दरवाज़े का नाम दौलत दरवाज़ा होने के पीछे एक हवाला हज़रत दौलत शाह का भी है। हज़रत पीर सैयद दौलत शाह बुखारी, जिनके मतवली हाजी अलाउद्दीन मरहूम थे, जिनका ताल्लुक काशी घर घराने से था। हाजी अलाउद्दीन के बाद इनके बेटे अहमद अली और नयाज अली ने ये खिदमात अंजाम दी, और उनकी वफात के बाद इन्हीं के बेटे शौकत अब्बास और अयाज अली अब दरबार की खिदमत कर रहे हैं। दरबार हज़रत पीर सैयद दौलत शाह बुखारी के मतवली हाजी अलाउद्दीन थे, उनके बाद उनके बेटे अहमद अली और नयाज अली ने ये खिदमात अंजाम दी, और उनकी वफात के बाद उनके बेटे शौकत अब्बास और अयाज अली ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों मतवली हजरात के मुताबिक पीर दौलत शाह की हयात और सवाने उम्री के बारे में मुसद्दका इतलात और मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, ताहम ये बुज़ुर्ग हस्ती 400 साल कबल यहाँ मदफन हुई। पीर दौलत शाह का मज़ार इस वक्त सड़क के दरमियान में है, और इनके दोनों अतराफ ट्रैफिक रवां दवां है, ताहम कबल अजीं ये जगह खाली और गैर आबाद थी। दरबार के मतवली शौकत अब्बास और अयाज अली के मुताबिक जब
मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी गवर्नर पंजाब बने तो इस दौर में ये सड़क कुशादा कराई गई। इस दौरान ये दरबार भी दरमियान में आ गया। और ये तजवीज़ दी गई कि पीर दौलत शाह की कब्र को 50 से 60 फुट नीचे गहराई खोदकर इनकी कब्र मुबारक को किले पर दफन कर दिया जाए। ताहम अहमद अली और नयाज अली ने उस वक्त स्टे ले लिया और इसके बाद नक्शे में तब्दीली करके दरबार वहीं रह गया और सड़क को दोनों तरफ से कुशादा करके बना दिया गया। जी नाज़रीन, हज़रत पीर दौलत शाह का मज़ार आज भी उसी जगह कायम व दायम है।